मैं जेठ के बच्चे को दूध पिलाती तो जेठ जी सर पे आके खड़ा हो जाता और मुझे बहुत शर्म आती, लेकिन जेठ जी को कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि जेठ जी 30,000 रुपया इसके लिए देते थे और मैं अपना 30,000 गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात जेठ जी का बच्चा बुखार में तपने लगा। जेठ जी ने दवाई दी और कहने लगे कि आज की रात मैं उनके कमरे में रुक जाऊं। मैं मान गई थी, लेकिन मगर उस रात मेरे होश उड़ गए थे जब जेठ जी मेरे करीब आए और कहने लगे कि उनका भी दूध पीने का मन कर रहा है, जिसके सुनकर मेरे जज्बात उठने लगे थे। मेरा जेठ तो पति के मुकाबले काफ़ी तंदुरुस्त था। जेठ को देखकर मैं अपने आप पे काबू ना कर सकी और फिर जेठ जी ने बच्चों के साथ साथ मेरे पति की तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम थी और बड़े मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता था, फिर उस पर मेरा छोटा 6 महीने का बच्चा और मैं उसे छोड़कर घर के काम काज के लिए नहीं जा सकती थी और ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार जेठ जी ने एक बार मुझे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति शायद इस बात के लिए इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि वह काफ़ी कुछ ऐसा था कि वह कहने लगे कि क्या तुम्हारे जानने वाली कोई है, क्योंकि उसे एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। जेठ जी की यह बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। वह कहने लगे कि वैसे भी उनके पास बहुत पैसा है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, और उसे कोई ऐसी औरत मिल जाती है तो उसे अपने बच्चे के लिए काम पे रखेंगे, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसके लिए उस औरत को मैं अच्छी कीमत भी दूंगा। मैंने कहा कि जेठ जी, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं किसी से पूछकर आपको ऐसी औरत के बारे में ज़रूर बताऊंगी। और फिर मैं मन में सोचने लगी कि जेठ जी के पास इतना पैसा है और मेरे पति के पास ऐसी कमाई भी नहीं है कि घर चलाया जा सके, और उनकी पत्नी भी इतनी खूबसूरत थी और उससे घर का कोई भी कामकाज नहीं करना पड़ता था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे क्या इन सब चीज़ों से लेना देना। मैंने ये बात जाकर अपनी पड़ोसन से कही तो पड़ोसन मुझे कहने लगी कि तेरे जेठ की किसी और की ज़रूरत ही क्यों है, तू ही उसके घर में जाकर उसके बच्चे को संभाल ले, तुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, और वैसे भी बात तो ये घर की ही है ना। पड़ोसन की ये बात सुनकर मैं कहने लगी कि अरे पागल, वह मेरा जेठ है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये हम रिश्ते में है। मेरी बात सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि अरे रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार के काम आते हैं और वैसे भी तेरे ही काम आएंगे और तू भी किसके काम आएगी, तो इससे अच्छा है कि तू अपने रिश्तेदार के ही काम आ जा, और वह भी तेरे पति का सगा भाई है, उसका भी काम हो जाएगा और तेरी आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुझे भी तो पैसों की ज़रूरत रहती है। मैं भी मन ही मन विचार करने लगी और फिर मैंने कहा कि इस बारे में देखती हूँ, पता नहीं मेरे पति ये बात मानेंगे या नहीं, या उन्हें ये बात पता चलेगी तो वह क्या कहेगा। जब मैं अपने घर लौट आई और जब मैं अपने घर पहुंची तो वही घिसी पीटी जिंदगी, सूखी रोटी और खाने के लाले पड़े रहते थे। मैं अपने बच्चे के लिए भी अच्छी परवरिश नहीं कर पाती थी और मेरे जो जेठ थे वह विदेश में जाकर खूब कमाई करके भारत वापस आए थे और यहाँ पर उन्होंने खुद का अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और एक मेरे पति थे जो एकदम निठल्ले थे और दिन भर पी कर अपनी ज़िंदगी ऐसे ही पूरी करते थे। सास के गुजर जाने के बाद मेरे पति को ऐसी नशे की लत लगी कि अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर ली। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उल्टा मुझ पे ही हाथ उठाने लगता, और अब मैं भी ऐसे ही ज़िंदगी को जी रही थी। मेरा बेटा बहुत छोटा था, इस वजह से मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकती थी। अब घर आकर मैं मन ही मन विचार करने लगी कि मुझे जेठ जी को अब बता देना चाहिए कि मैं उनके बेटे की परवरिश करने के लिए तैयार हूँ। मैं शायद एक बार बात करके उनसे देखती हूँ और कहूँगी कि मेरी हालात बहुत बुरी है और मैं आपके बच्चों की परवरिश कर दूँगी, जिससे कि मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे
और वैसे भी जेठ जी को हमारे हालात के बारे में पता था। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद के कारण मैं एक कदम उठाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन मैं अपने बच्चे के खातिर ये सब करने को तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात सही लगी थी। मैं सोचने लगी कि मैं सबसे पहले अपने जेठ जी से बात करूंगी और वह मुझे अपने बेटे के परवरिश के लिए रख लेंगे तो मैं उनसे तनख्वाह के बारे में भी पूछूंगी, और अगर उन्होंने मुझे तनख्वाह कम बताई तो मैं उनके बेटे की परवरिश नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा था और उसे भी कुछ समय देना पड़ता था। आज की तारीख में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कम पैसों से गुजारा कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी मन में यही बैठकर सोच ही रही थी कि तभी मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ। आज उसका मूड भी अच्छा था। मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने इनसे बात भी कर लेती हूँ। मैं पानी देने के बहाने उनसे बात कहने लगी, पर वह मुझसे कहने लगा कि क्या बात है, आज तक तो तुमने कभी भी एक गिलास पानी तक नहीं दिया था, ज़रूर ही कोई आज ज़रूरत पड़ गई है। मैं सोच रही थी, मैंने उनसे कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जेठ जी यहाँ काम कर लेती हूँ। ये बात सुनकर वह मुझे बड़े ही अजीब नज़र से देखने लगा और इसके आगे मुझे कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे, कहीं मेरा पति मुझे ही झापड़ ना मार दे। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि जेठ जी कुछ दिन पहले मुझसे कह रहे थे उनके बेटे की परवरिश के लिए कोई औरत की ज़रूरत है। मैं सोच रही थी कि अगर मैं ही उनके बेटे की परवरिश कर दूं तो इसके बदले वह मुझे अच्छा पैसा भी देंगे और हमारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। जब मैंने पूरी बात कही तभी मेरे पति के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया और वह कहने लगा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई के घर जाने की। मैंने कहा कि तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है और तुम जो कमाते हो वह सारा का सारा नशे में ही उड़ा देते हो, तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं उसकी परवरिश कैसे करूँगी। मैंने कहा कि अगर वह मुझे अच्छी खासी तनख्वाह देंगे तभी मैं काम करूंगी, नहीं तो मैं इनकार करके चली आऊंगी। मेरा पति बार बार मुझे इनकार ही कर रहा था, लेकिन मैं बार बार उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब मेरे पति ने नहीं माना तो मैं उनसे कहने लगी कि तब तुम ही कल से मुझे 1000 रुपये दिन का देना, अगर नहीं दिया तो घर पर मत आना और बाहर ही पड़े रहना। ये सुनकर पति कहने लगा कि ये कौन सी बात है। तो मैंने कहा कि यही बात है, यहाँ पर मैं खाना पीना नहीं खा रही हूँ जिसकी वजह से मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, तो फिर मैं अपने बच्चों को कैसे तंदुरुस्त करूँगी, वो भी तो कमज़ोर होता जा रहा है, उसे भी तो भोजन की आवश्यकता है। फिर मेरा पति कुछ देर चुप रहा और कहने लगा कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, अगर तनख्वाह कम हुई तो तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है और कल ही मैं अपने जेठ जी से बात करूँगी, और उन्होंने मुझे कह दिया। अब अंदर ही अंदर मैं बहुत प्रसन्न थी, अगर मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। यही सोचते सोचते रात बीत गई और मैं घर का काम काज करके तुरंत अपने बच्चे को लेकर जेठ के घर चली गई थी। जेठ का घर हमारे घर से 1/2 घंटे की दूरी पर था। जब मैं उनके बंगले पे पहुंची तो उनका बंगला बाहर से इतना खूबसूरत था कि मैं देख के हैरान रह गई थी। यहाँ मैं हर बार आती जाती नहीं थी, जब कभी कोई ज़रूरत होती थी तभी आती थी, और जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो जेठानी जी फ़ोन पे बातें कर रही थी और दूसरी साइड उनका बच्चा जोरों से रो रहा था और जेठ जी ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और मुझे देखकर कहने लगे कि अनीता यहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ जेठ जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तभी जेठ जी मुझे अपने कमरे में ले गए। उनका कमरा देखकर मैं पूरी तरह चौंक गई थी, उनका कमरा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तभी जेठ जी कहने लगे कि हाँ बताओ अनीता। तब मैंने कहा कि जेठ जी आपने मुझे उस दिन कहा था ना कि आपको अपने बच्चे की परवरिश के लिए किसी औरत की ज़रूरत है। तब जेठ जी कहने लगे हाँ हाँ कहाँ है।
मैंने कहा कि वह औरत मैं ही हूँ। आपको अपने बेटे के लिए एक औरत की ज़रूरत है और मुझे पैसों की आवश्यकता है। ये बात सुनकर जेठ जी कहने लगे कि तुम्हारा तो खुद का एक बच्चा है, फिर तुम मेरे बच्चों को कैसे संभालोगी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अपने बच्चे की तरह ही मैं आपके बच्चों को भी संभालूंगी। कुछ देर जेठ जी शांत रहे और फिर सोचने लगे और फिर बोला उन्होंने कि ठीक है। ये बात सुनकर मैंने कहा कि जेठ जी तो आप मुझे कितना तनख्वाह देंगे। जेठ जी मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें महीने का 30,000 रुपया दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, जेठ जी मुझे कहने लगे कि तुम आज शाम से ही मेरे बच्चे की परवरिश करने के लिए घर पे आ जाना। ये सुनकर मैं खुशी से अपने घर पे आ गई। घर पे आके मैंने अपने पति को ये बात बताई। ये बात सुनकर मेरे पति भी चौंक गए थे और कहने लगे कि एक मेरा भाई है जो इतना पैसा कमाता है और एक मैं हूँ जो नशे की लत की वजह से अच्छा भोजन भी नहीं दे पा रहा हूँ। ये सुनते ही मैंने कहा कि आप चिंता मत करें, हमारे घर के भी हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब मैं दिन भर का काम जल्दी जल्दी करने लगी ताकि शाम को मैं उनके बच्चे का परवरिश करने के लिए उनके घर जा सकूँ और जो मुझे काम मिला है वह काम कर सकूं। घर का काम करने के बाद मैं अपने जेठ के घर के लिए रवाना हो गई। मैंने अपने साथ अपने बच्चे को गोद में उठाया था और जब मैं उनके बंगले में दाखिल हुई तो जेठानी जी मुझे नाक चढ़ाती हुई कहने लगी, पता नहीं मेरे पति देव को आखिर क्या हुआ है, वह बच्चे के खातिर आखिर किसी भी गरीब औरत को भुला लेते हैं। मुझे जेठानी जी की ये बात बहुत ख़राब लगी। मैं मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ लेकिन रिश्ते में मैं उनकी देवरानी लगती हूँ, कम से कम उन्हें इस रिश्ते का तो लिहाज करना चाहिए। मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मुझे जेठ जी की आवाज़ आई और वे मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए और ले जाकर जेठ जी कहने लगे कि देखो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी पत्नी ज़्यादातर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती है, उसे इतना फुर्सत ही नहीं कि वह अपने बच्चे को देखे और वह ज़्यादातर समय तुम जानती हो कि पार्टी में ही बिजी रहती है जिसके कारण वह अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी भाई की पत्नी हो, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि ये ना हो कि तुम यहाँ अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने लगो क्योंकि तुम्हारा भी बच्चा बहुत छोटा है और उससे भी माँ की आवश्यकता है। ये बात सुनते ही मैं कहने लगी कि जेठ जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए और आपको ऐसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूँगी और उसे माँ की ममता जैसा ही प्यार दूंगी। मैं एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। वह कमरा इस बच्चे के लिए ही बना था और वह बच्चा रोए जा रहा था। मैंने उसे अपने गले लगाया और चुप कराया। कुछ ही देर में वह सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे का हक में किसी और को भी शामिल कर रही थी और अब मैंने अपने बच्चे के हक में दूसरे बच्चे को भी रखा हुआ था। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे जेठ जी का बेटा मेरे गोद में था। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में जेठ जी का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपकता मैं मजबूरन उसे पीछे करती रही। उसे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा भी अब रो देगा, इसलिए मैंने उस बच्चे का खिलौना अपने बेटे के आसपास रख दिए और मेरा बेटा उन खिलौने से भाग गया था। मैंने उस बच्चे को सुलाकर लेटा दिया और फिर मैंने अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी, उसका भी सोने का समय हो गया था, मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया था। लेकिन मैं सोच रही थी उसे लेटाऊं कहाँ, ये तो जेठ जी का बेटे का बेड है। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही लेटा दिया और खुद ही उसके बराबर में बैठ गई और दोनों माँ बेटे ज़मीन पर हम लोग सो चुके थे। अभी कुछ ही देर हो चुका था मुझे लेटे हुए
कि वहाँ कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकर कमरे में दरवाज़ा खुला था, उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसने वह गिलास मुझे थमा दिया। मैंने उसे हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि मालिक कह रहे हैं कि तुम इसे पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूंगा, वो सारे के सारे भी तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर तो मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा कि मैं ये सब कैसे खाऊं, तो वह कहने लगी कि ये हमारे मालिक का ऑर्डर है। वे कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी उनका बेटा सेहतमंद रहेगा। और ये सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया था। पूरे साल भर के बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना रोज ही दो घूट दूध को एक कप चाय में डालकर पतली चाय पीने को मिलती थी। और साथ ही साथ ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे कारनामे दिखा देता था। कहाँ मैं एक रोटी के लिए तरसती थी और यहाँ पूरी दुनिया का सुख सुविधा मेरे पास थी, सिर्फ इस जेठ जी के बच्चे की वजह से। मुझे 4-5 दिनों में ही मेरी सेहत में काफ़ी सुधार आना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी कि जब भी मैं जेठ जी के बच्चे को किसी कमरे में लेकर जाती तो कुछ बहाने से जेठ जी किसी न किसी बहाने से कमरे में आते, मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते, मुझे उलझन सी महसूस होती थी। मैं फौरन से उसके बच्चे को गोद से उतार देती थी और वह मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने जेठ की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी, क्यों वह बिन कमरे में बिना इजाज़त के ही चले आते थे। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया कि देखिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता, बार बार आप कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर उनके सर पे बल पड़ने लगा। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, तो मैंने कहा कि हाँ जी बताइए। मैं तुम्हें जो खाने पीने की चीज़ें पेश करता हूँ वह सिर्फ इसीलिए पेश करता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कहीं मेरे बेटे के बजाय अपने बेटे से तो ज़्यादा प्यार नहीं करती हो, क्योंकि पैसा तो मैं खर्च करता हूँ तो मैं अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। ये क्या समझता था मुझे, क्या मैं बेईमान हूँ। उसकी फिक्र में मैं अपने बच्चे को और अपने बेटे को नहीं पूछूंगी या उसके बेटे को भूखा रखूंगी। मैंने कहा जेठ जी मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, मुझे नमक की वफादारी आती है। अगर आपको ऐसा ही शक है तो ठीक है, आप किसी और को रख ले। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से आवाज़ लगाता रह गया लेकिन मैं एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी लेकिन वह गैरत नहीं। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं वहाँ कैसे रुक सकती थी। मैंने अपने बच्चे को उसके हक अपने उसके बेटे को दे रही थी और उसका ख्याल भी बहुत रख रही थी। जब तक मैं वहाँ होती थी उसके बेटे को संभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौने से खिलाती थी। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उस पर ध्यान देती, उसकी परवरिश करती, लेकिन मेरी मजबूरी क्या से क्या करवा रही थी। इसी रात मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी थी। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात को 2 बज गए। मैं बहुत परेशान थी और जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे ये बताया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, और ये सुनकर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तब तक मेरे पति की मौत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनने के बाद मैं बेहोश होकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं फूट फूट के रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और हमारे घर में लोगों की भीड़ थी और सुबह होते ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया और वह दिन में पूरी रोते रोते गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को इसकी कोई भनक भी नहीं थी कि, और जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम दोनों अभी तुम जवान हो और ये बच्चा मासूम अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा पति तो तुम्हें अब जवानी में ही इस दुनिया से छोड़ के चला गया। लोगों के ऐसे शब्द मुझे परेशान कर रहे थे और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अगले ही दिन घर के बाहर एक गाड़ी आके खड़ी हो गई और गली के बच्चे इस गाड़ी के साथ
पीछे पीछे भागते आ रहे थे। हर कोई उस बड़ी गाड़ी को देख रहा था और हमारे छोटे से मोहल्ले में सब लोग यही सोच रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी हमारे मोहल्ले में कहाँ से आ गई। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और जेठ जी को देखने लगी। जेठ जी जब सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए, हालात की नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था, उन्हें भी ये खबर मिली थी कि उनके भाई की कल रात मृत्यु हो गई है। वह मुझसे हमदर्दी दिखाने लगे, मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब जेठ जी कहने लगे कि तुम फिकर मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता और रोता ही रहता है। तुम्हारे गोद की उसे अब आदत हो गई है, यही कहने मैं आया था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तुम्हारे काम पे शक नहीं करना चाहिए था। बच्चे को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि जिस बच्चे की माँ सगी नहीं है तो भला मुँह बोली माँ पर मैं कैसे विश्वास कर सकता था। जेठ जी भी अपनी जगह ठीक ही थे, उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे दिए और वहाँ से चले गए। मेरे पति की मौत हो चुकी थी और घर का राशन भी अब ख़त्म होने वाला था और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। वह मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन भी आ चुका था कि जेठ जी का बेटा बड़ा ही बीमार है और उसे तुम्हारे ही गोद में सुकून मिल सकता है। मुझे इस बच्चे की भी फिक्र होने लगी थी, आखिर मैं एक माँ थी क्योंकि मेरे गोद में भी एक मासूम सा बच्चा था और मैं भला दूसरे बच्चे का कैसे न फिक्र करती। उसी समय मैंने जेठ जी को फ़ोन किया और उन्होंने गाड़ी भिजवा दी जिसमें बैठकर मैं जेठ जी के घर पहुंची थी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी लेकिन उसके बावजूद भी मैं जैसे ही जेठ के बच्चे को उठाया वह तुरंत ही चुप हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी और हर समय मेरे पास ही रहता। ये देखकर जेठ जी बहुत खुश हुए और फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं पे रहने लगो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, ऐसे भी अकेले रहने से अच्छा है कि तुम यहीं ले रह लिया करो। जेठ जी की ये बात मुझे अच्छी लगी थी और उनका रवैया भी मेरे बेटे के साथ अच्छा रहता था और वह उसका भी ख्याल रखते थे। जो भी चीज़ वह अपने बेटे के लिए लाते वह मेरे बेटे के लिए भी लेकर लाते, जबकि जेठानी जी को तो कुछ पता ही नहीं था कि वह कब आती और कब जाती, किसी को पता नहीं चलता, जेठ जी को भी खबर नहीं होती थी। हर वक्त उनकी शॉपिंग और पार्टी चलती ही रहती थी और कई बार तो वह अलग देश भी जाज चल जाती थी दोस्तों से मिलने के लिए। उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उनका लड़का किस हाल में है। मैं भी अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी और मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके काफ़ी रो रहा था। अक्स एक दिन जेठ जी के बेटे की तबीयत खराब हो गई और जब मैं क्वार्टर जाने लगी तो जेठ जी बोले तुम आज यहीं रह जाओ और मेरे बेटे के पास ही सो जाना, मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वह तुम्हारे ही पास रह सकता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को जेठ जी का बेटा भूख से जागा था, मैं उसे दूध पिला रही थी तभी जेठ जी कमरे में चले आए। मैं अपना ध्यान काम में दिए बैठी थी और जब कदमों की आवाज़ सुनी तो घबरा कर देखा तो जेठ जी के बेटे को खुद से दूर करने लगी और मैं सोच में पड़ने लगी कि ये मुझे फिर बिना कुछ बताए कमरे में कैसे आ गए। मैं घबराहट में देख कर जेठ जी के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए। जेठ जी सामने ही कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर मुझसे बोले, जिसे सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। जेठ जी जिस अंदाज में मुझसे बात करने आए थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेठ जी कहने लगे कि देखो जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, मैं एक ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि मेरे और मेरे होने वाले औलाद को भी संभाले और उसका अच्छी तरह से परवरिश करे, लेकिन मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई भी गुण नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ जैसे ही तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ
और तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इसे माँ का दर्जा दे दूँ। मैंने जब जेठ जी की बातें सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने पति से मोहब्बत है, मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ, अभी तो उनके रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। और मैं फौरन ही अपने क्वार्टर में वापस चली गई। मगर जेठ जी कहने लगे कि तुम इस फैसले पर विचार करना और तुम जो चाहोगी वही करूँगा। जेठ जी का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था और इसे भी अमीरों वाले ऐसो आराम मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा और जब मैंने अपने बच्चे के भविष्य को देखा तो मजबूरन मुझे जेठ जी का फैसला मानना पड़ा। लेकिन मुझे जेठानी की तरफ से बहुत ही बेचैनी थी और जैसे ही मैंने जेठ जी से शादी के लिए हाँ कर दी तो जेठ जी फौरन ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिया था। और अब तक उसने जितना भी ऐश किया था वह जेठ जी के पैसों पे ही था। और जब जेठ जी ने उनसे सारे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि यह फैसला करके मैंने गलत किया। लेकिन जब शादी के बाद मैंने जेठ जी को मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे भाग्य में लिखा था और मेरे बेटे को भी बाप का प्यार मिल रहा था और उनके बेटे को भी माँ की मोहब्बत मिल रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।